आरएन पब्लिक स्कूल लोहागल का तीसरा वार्षिक उत्सव सोमवार को स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल पुनीत शर्मा ने बताया कि वार्षिक उत्सव में आए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया, उसके बाद सरस्वती माँ के सामने दीप प्रज्वलित किया गया, वार्षिक उत्सव की शुरुआत की गई। वार्षिक उत्सव में स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर विभिन्न गानों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर इतिहास की जानकारी दी। 18वीं शताब्दी में इस धरा पर शासन किया। इन्होंने भारत के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया। बाबर, अकबर और मेरा एक ही पोता था, अब वो इस युद्ध में मारा गया है। इस नन्ही सी जान की क्या गलती थी? किसके सहारे जीऊंगी मैं? अजमेर वासियों को नमस्कार। आज हमारे आर्यन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम हमारा तीसरा वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। हमारे वार्षिक उत्सव का थीम जो है वो है इतिहास, और इसमें सभी धर्मों को सम्मिलित किया गया है। और ये बताने की कोशिश की है कि लड़ाई झगड़े से बात नहीं बनेगी, एकता से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे तो ही सभी धर्मों का भला होगा और सभी मनुष्यों का भला होगा। मानवता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। बच्चों ने अपने रंग रूप से बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अलग अलग धर्म एक साथ रहते हैं इस देश में, और यही एकता और अखंडता हमें बनाए रखनी है। इसी के साथ धन्यवाद। आपके गेस्ट कौन थे? आज की चीफ गेस्ट हमारे सिस्टर मेबल थे, जो कि एक्स प्रिंसिपल सोफिया स्कूल रह चुके हैं और अभी हाल में वो प्रोविंशियल सुपीरियर हैं मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।